नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नर्मदा अभी भी खतरे के निशान के नीचे बह रही है, लेकिन लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो क्षेत्र में हालात बिगड़ सकते हैं। उधर जामनेर एवं उसकी सहायक नदी रात से ही उफान पर है। नर्मदा तट पर मौजूद परिक्रमा वासियों की माने तो नर्मदा का लगातार जलस्तर बढ़ने का यही संकेत है कि कहीं वर्ष 2013 के हालात निर्मित न हो जाए। उधर जामनेर एवं उसकी सहायक नदियों के उफान पर होने से नर्मदा तट क्षेत्रों के लगे ग्राम जामनेर, तुरनान, दैत्य, मुरझाल, कुंड गांव, करोद, चिचली, बिजल गांव सहित एक दर्जन गांव का आगमन प्रभावित हुआ है। उधर जामनेर नदी के तेज बहाव के चलते उसे पैदल पार कर रहे नरेंद्र नामक युवक के बह जाने की घटना भी सामने आई है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। युवक हरदा जिले के ग्राम भमोरी का बताया जा रहा है, जो अपनी चचेरी बहन से मिलने जामनेर नदी पार कर कुंड गांव खुर्द जा रहा था। उसी दौरान वह तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश भी की जा रही है। तवा डैम में तेजी से बढ़ रहा पानी, बैतूल, पचमढ़ी और सारणी में अच्छी बारिश होने से डैम में लगता पानी आ रहा है। कल रात से सारणी के 3 गेट खोले गए हैं। तीनों गेटों से डैम में पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह से 3 गेटों को 3-3 फीट खोला तथा उसमें 3500 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। शाम से 3 गेटों को 2-2 फीट खोलकर 5000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में तवा डैम का जलस्तर 1123.60 है। सुबह तक 1126 फीट जलस्तर हो जाएगा। तवा डैम के कचमेंट एरिया में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते आने वाले समय में नर्मदा का जलस्तर बढ़ना तय माना जा रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।